जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड माय टुडेज़ टॉपिक इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 प्रोटिस्ट एंड फंजाई एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ ओमाइकोटा एग फंजाई। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओमाइकोटा वाटर मोल्ड, राइट? अनदर नेम फॉर ओमाइकोटा इज वाटर मोल्ड एंड द वर्ड ऊ मीन्स एग, right? Okay, so they have many features similar to the true fungi members of the kingdom fungi, right? They have a hyphal body. Certain other features are common between the two groups, but obviously they have much different groups features as well, right? First of all, lack of chitin. So they have cellulose in their cell walls, while in the kingdom fungi, the members of the kingdom fungi, they have chitin in their cell walls. This is the very important point of difference between the two groups. These members are parasites, and some other are living in fresh and salt water or in soil. So this is the habitat for the group. They have a kind of cell wall, but cell wall is made up of cellulose. They do not have chitin in their cell wall. They are parasites and they live everywhere, by the way. And they are called as water mold as well. Most of the members are living in water as well. And most common examples are downy and powdery mildews. They are parasites. Phytopithora are parasites. Septate, aseptate hyphae. They have sinocytic or multinucleated hyphae. One of the specific feature of Oomycota is they are aseptate. They have aseptate hyphae. Another very interesting feature, which is very, very interesting, in fact, as well, that feature is they have dominant, जो इनका phase है, बहुत life cycle है, they have diploid cells, right? They have diploid cells. Most of the groups have a very short diploid phase in their life cycles, but Oomycota have dominant diploid phase. Please keep it in this in your minds. This is very important about them, that they are diploid. All of them are diploid, while all of the members of kingdom fungi, bacteria, ये सब के सब haploid होते हैं अपने normal life cycles में, ठीक है ना? थोड़ी देख ले diploid होते हैं, फिर में meiosis होती है और sexual reproduction हो जाती है. लेकिन ये हर वक्त डिप्लॉयड होते हैं, इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी तो भी ये डिप्लॉयड स्पोर्स, जू स्पोर्स बनाएंगे, हम डिस्कस करते हैं अभी आगे. सो दिस इज पाउडरी मिल्ड्यू. शायद आपने ऐसा कोई पौधा देखा हो जिसके पास सफेद सा पाउडर पड़ा हुआ हो. सो दिस इज पाउडरी मिल्ड्यू और ये एक ओमाइकोटा है. एक और ओमाइकोटा आपको दिखाती हूँ जो इन्फेक्टेड पोटैटोज हैं. ये है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको डिजीज हुई भी है. एंड दीज आर द लीव्स ऑफ द पोटैटो प्लांट और ये भी इन्फेक्टेड है. ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये भी इन्फेक्शन इन्हें हुआ हुआ है. और इनको कौन सा इन्फेक्शन हुआ हुआ है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. फाइटोपाइथोरा इन्फेस्टेंस आर द कॉजेटिव एजेंट. ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थी इसकी. एक चीज़ आपको वो दिखाने है, ये इसका जू स्पोर है. जू स्पोर्स आर ए सेक्शुअल स्पोर्स, ठीक है? जू स्पोर्स आर ए सेक्शुअल मोटाइल स्पोर्स. आप देख रहे हो दो स्टेजेस देख रहे हो उस फिगर में. ये चूंकि डिस्कस तो आगे करूंगी, लेकिन अभी यहाँ फिगर आई है तो बता रही हूँ. ए में आप देख रहे हो जू स्पोर है ये, और इसमें एपिकल फ्लैजेलाएं दो हैं और एपिकल है. इसमें लेटरल हैं या बॉडी की साइड पर हैं दो हैं, और ये भी जिसकी नेक्स्ट इन्फेक्टिव या मेच्योर स्टेज है बी. ये दोनों ही जू स्पोर की डिफरेंट मेच्योरिंग स्टेजेस हैं जू स्पोर्स की, जो एसेक्शुअल स्पोर्स होते हैं. ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू शो यू. या आप जब आप लेक्चर देखो ना, तो आप सात सुनते सुनते सात बुक में पॉइंट्स बना लो. ये व्हाट आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओमाइकोटा. जू स्पोर की हेडिंग दी आपने, लिख ली एक लाइन, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स, राइट? व्हाट आर दीज? दीज आर मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स. जू स्पोर्स ये एपिकल वाला दिखा रहे हैं आपको. सेल वॉल नहीं होती, एक या दो फ्लैजला होते हैं. फ्लैजला सिलेंडर होते हैं, उसकी नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए होते हैं. फिर इनिशियली जू स्पोर्स एनसिस्टेड होते हैं, अपना फ्लैजिला लूज कर देते हैं, एनसिस्टेड हो जाते हैं. मैं आपको उसकी लाइफ साइकिल शो करूंगी. फिर ये किताब आपकी ही बुक में बनी हुई है. सो लेट्स गो थ्रू द पिंक सर्कल, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम दिस जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर्स. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी जू स्पोर, लिखा हुआ मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ. आई एम होपिंग कि आप सब देख पा रहे हो.
ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, रेड डॉट नजर आ रहा है आपको, जर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्पोर। आप ये देखो कि ये स्पोर कहीं गिरा, जर्मिनेशन शुरू हुई, ये पूरी बॉडी डेवलप हो गई, सारे हाइफी डेवलप हो गए, हाइफी एसेप्टेट हैं, टर्मिनल हाइफी जो है वो डिफरेंशिएट हो गए इनटू स्पोर एंजियम, एंड दे हैव डेवलप्ड स्पोर एंजियम, एंड स्पोर एंजिया विल डिवेलप जू स्पोर्स, सबके सब माइटोसिस से ग्रो करेंगे, आई मीन प्रोड्यूस होंगे, और ऑल ऑफ देम आर डिप्लॉयड एज वेल। ठीक हो गया, स्पोरेंजिया में बर्स्ट किया, उसी तरह से किसी भी ग्रुप में स्पोरेंजिया बनता है और वो बर्स्ट कर जाता है, जूस्पोर्स या किसी भी ग्रुप में स्पोर्स बाहर स्प्रेड हो जाते हैं हवा के थ्रू। सेम इज़ द केस विद द ओमाइकोटा, यही जूस्पोर एक को उसने सर्कल कर किया, भाई जब इसमें मेरा रेड डॉट है, ये सर्कल करके इन्होंने ये दिखाया बड़ा करके, एपिकल मोटाइल जूस्पोर, एपिकल फ्लैजला है, देन दे फिर ये लेटर स्टेज में क्या करता है कि अपना फ्लैजला को, इट विल लूज देयर बोथ ऑफ द फ्लैजला एंड विल बिकम एनसिस्टेड, फिर लेटर ऑन वंस अगेन सिस्ट बर्स्ट कर जाती है एंड दे हैव डेवलप्ड देयर लैटरल फ्लैजला वंस अगेन। मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव ग्रोन विद टू फ्लैजला, मगर कभी कभी एक फ्लैजला भी हो सकता है। फिर जी दोबारा एनसिस्टर हो जाता है, इसका मतलब है कि उसने फिर से अपने फ्लैजला लूज किए और फिर जर्मिनेट करेगा, एंड दिस इज द एसेक्सुअल फेज ऑफ द ओमाइकोटा। जूस्पोर्स आए, जूस्पोर्स मैच्योर हुए, मैच्योर हो, मैच्योरेशन की सिर्फ ये निशानी है कि एपिकल से लैटरल फ्लैजला बनेंगे, फ्लैजला से दोबारा पूरी बॉडी डेवलप करेगी, डेवलप करके टर्मिनल जो है ब्रांचेस वो स्पोरेंजियम डेवलप करेंगी, और स्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर्स माइटोटिकली प्रोड्यूस होंगे, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टेक्स्ट में सारी बातें लिखी हुई हैं। ये द ऑर्गेनिजम्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर प्रोडक्शन ऑफ मोटाइल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड जूस्पोर्स। जूस्पोर्स स्विमिंग है, मोटाइल है, टू फ्लैजला है, एसेक्सुअल हाइफी में डिफरेंशिएट इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ये उमाई डिप्लॉयड थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। एक लाइन मैंने बड़ी मुझे पसंद थी, मैंने लिखी थी कि उमाई सीड्स आर डिप्लॉयड थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल्स एक्सेप्ट ब्रीफली व्हेन दे आर हैप्लॉयड गैमीट्स जस्ट लाइक अस। ठीक है, तो थोड़ी सी देर के लिए गैमीट्स इसमें बनते हैं तो ये हैप्लॉयड हो जाते हैं, अदरवाइज पूरी बॉडी फिर भी डिप्लॉयड रहेगी, सिर्फ वो सेल्स जिसमें गैमीट बने हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं, फिर टर्मिनल ब्रांचेज ने अच्छा ये तो सेक्सुअल शुरू हो गई है, अच्छा सेक्सुअल यहाँ पे एसेक्सुअल खत्म हो गई, जर्मिनेट टू मेक मोर विच मेक मोर स्पोर्स, एंड वही वो आपको मैंने बता दिया हाइफी। ओके अब जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिफोर रीडिंग आपको बताया, मैं आपको फिगर से बताऊंगी, पहले पहले तो आप देख लो यही वाली फिगर जो आपकी बुक में है। वंस अगेन अभी जो जू स्पोर्स हैं ये भी दो तरह के बने होंगे, कुछ मेल टाइप के कुछ फीमेल टाइप के, जू स्पोर भी तो एक तरह का नहीं होगा ना, जू स्पोर्स भी कई तरह के होंगे। तो इसी तरह इसमें से आप देख लो ये इस एक हाइफी जो है मतलब दोनों हाइफी ग्रो कर रहे हैं। अब कुछ हाइफी ऐसे हैं जिनकी टर्मिनल ब्रांचेस ऊगोनियम में डेवलप हो गई हैं, डिफ्रेंशिएट हो गई हैं, कुछ हाइफी में टर्मिनल ब्रांचेस ये जो ये वाली हैं ये एंथ्रीडियम में डेवलप कर गई है, मतलब ऊगोनियम है तो वो एग प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन अगर एंथ्रीडियम है तो वो स्पॉर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि गेमिटेंजिया फॉर्म होता है, मींस कि अब सेल तो प्लांट बॉडी तो वही है ना, आई मीन फंगल बॉडी तो वही है, अब फंगल बॉडी की टर्मिनल ब्रांचेस जो है वो डिफ्रेंशिएट हो गई है इंटू ऊगोनियम और एंथ्रीडियम। ऊगोनियम और एंथ्रीडियम में के जो कुछ सेल्स होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गेमीट, मतलब उन सेल्स में मियोसिस होती है, उनमें सेल्स में मियोसिस हुई वो गेमीट में कन्वर्ट हो गए और गेमिटेंजिया फॉर्म कर दिया, मींस गेमीट बनने के बाद वो अपनी पूरी बॉडी से सेपरेट नहीं हुए। ठीक है ना, वो सेल उनके साथ ही अटैच रहा, वो एक सेल, सुन रहे हैं आप, जैसे कि वो एक सेल जो जिसमें मियोसिस हुई वो उसमें गैमीट फॉर्म हो गए, मगर गैमीट बनने के बाद गैमीट सेपरेट नहीं हुआ और उसी के साथ वो सेल अटैच रहा बाकी सारी प्लांट बॉडी के साथ। अब ये इसी की एग्जांपल है कि ये दोनों जब डेवलप हो गए, गैमिटेंजिया फॉर्म हो गया, जब गैमिटेंजिया फॉर्म होने के बाद ऊगोनियम डेवलप कर रहा है और उसके साथ साथ एंथ्रीडियम की जो हाइफी है, एंथ्रीडियल हाइफी वो भी ग्रो कर रहे हैं, और फिर साथ साथ आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप कर लिए, ये जो चीज़ पतली सी लंबी सी एक ट्यूब अंदर आई ना पोलन ट्यूब की तरह की, वो अंदर आ गई और उसने स्पर्म अंदर ड्रॉप कर दिया हर हर ओगोनियम के एग के अंदर, और अंदर डालने पर वो जायगोट बन गया, जायगोट बनने पर उसी तरह ओगोनियम बर्स्ट कर जाएगा और
बस करने पे ऊ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ऊ स्पोर्स फिर कहीं गिरेंगे और उसी तरह मेल और फीमेल, कोई मेल कोई फीमेल में डेवलप हो जाएगा। टेक्स्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक दफ़ा ये टेक्स्ट जरूर रीड कर लीजिएगा। ये एक फिगर और थी शोइंग यू द ऊ गोनियम, इसमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी नज़र आ रही है, ये एंथ्रीडियम है, ये अपना न्यूक्लियस इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद ये जायगोट बनेगा और जायगोट बन के फिर आपको पता है फिर तो नॉर्मल माइटोसिस होगी क्योंकि इनकी सारी बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ये भी एक फिगर है, इसको भी देखिएगा, ये ड्रॉ करने के हवाले से थोड़ी सिंपल है इफ़ यू वांट टू ड्रॉ फ्रॉम हियर। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू राइट योर क्वेरीज इन द कॉमेंट बॉक्स और यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।